हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इससे रिलेटेड काफी सारे नोट्स इसमें दी हुई हूँ। सो इसमें है रिकंसिलिएशन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट अ कंपनी इंटरनल कॉस्ट अकाउंटिंग अलाइन विद इट्स एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Here are key steps involved in this reconciliation process. बोला गया reconciliation costing और फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ही जरूरी होता है जब हम कंपनी की इंटरनल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, जो बेसिकली किससे लिंक्ड होता है? एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बोला गया यहाँ पर कुछ की स्टेप्स इन्वॉल्व है कि जब भी आप रिकंसिलेशन का प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स हमारा आइडेंटिफाई कॉस्ट कॉम्पोनेंट। पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कॉस्ट कैसा है, यानी कि स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग ऑल कॉस्ट कंपोनेंट इन योर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड इंश्योर दे अलाइन विद कैटेगरीज यूज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बोला गया है कॉस्ट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी कॉस्ट कंपोनेंट हैं आपके कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, उन सभी को, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो। बोला गया फिर इंश्योर करेंगे कि वो जो कैटेगरीज हमने देखी है वो बेसिकली फाइनेंशियल रिकॉर्ड में यूज की जा रही है या फिर नहीं। दूसरा आता है हमारा, यानी कि बेसिकली हम उसका यूज देखेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। दूसरा है लिसनर्स हमारा रिव्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। अब ये क्या होता है? तो रिव्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यानी कि इंश्योर दैट द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन कॉस्टिंग, एग्जांपल FIFO LIFO वेटेड एवरेज, मैचेस व्हाट इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। डिफरेंसेस इन मेथड कैन लीड टू डिस्क्रिपेंसीज। बोला गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हम उसका रिव्यू करेंगे, यानी कि हमें इंश्योर करेंगे कि जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज हो रही है कॉस्टिंग में वो मैच करे किससे, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में चीजें हैं उससे। और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं? तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड। लिसनर्स, ये जो मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। बोला गया डिफरेंसेस इन मेथड, और अगर मेथड में डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है। तीसरा आता है हमारा कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। फिर हम टोटल कॉस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फ्रॉम बोथ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दिस इंक्लूड एडिंग अप डायरेक्ट कॉस्ट एंड एलोकेटेड ओवरहेड इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड कंपेयरिंग देम टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला गया जब भी आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे दोनों से, चाहे वो कॉस्टिंग हो चाहे फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो, तो उन दोनों से आप कैलकुलेट करोगे। और इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं और ओवरहेड को एलोकेट करते हैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, और फिर उनको हम COGS से यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिपोर्ट कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा एडजस्टेड फॉर पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट की बात कर ले यहाँ पर, तो आइडेंटिफाई एनी पीरियड कॉस्ट लाइक सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस that are not included in product costing but are recorded in financial statement. Ensure these are properly accounted for in overall reconciliation. बोला गया फिर हम कोई भी पीरियड कॉस्ट को ले लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ले सकते हैं जो बेसिकली इंक्लूड नहीं होता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, लेकिन उसको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। लिसनर्स, ये बताएगा कि इसके से क्या होगा कि हमें पूरा ओवरऑल रिकंसिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है एनालाइज वेरिएंसेस। अब हम वेरिएंस का विश्लेषण करेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें आता है इन्वेस्टिगेट वेरिएंसेस बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लुक फॉर डिस्क्रिपेंसीज सच एज ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एंड लेबर रेट वेरिएंसेस। बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वेरिएंसेस को, इसमें कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बीच में जो भी वेरिएंसेस है उनके बारे में पता करेंगे। डिस्क्रिपेंसीज देखेंगे कि क्या इसमें हमको करना चाहिए था, अप्लाई करना चाहिए था इस ओवरहेड में, क्या नहीं करना चाहिए था, या फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, या फिर लेबर रेट वेरिएंस में। इसमें ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, इससे रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो इस फॉर्मूले को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिसनर्स सिक्स पॉइंट है कंफर्म ट्रांजेक्शंस। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देंगे। इतना करने के बाद यानी कि रिव्यू ऑल ट्रांजेक्शंस टू इंश्योर दैट ऑल कॉस्ट हैव बीन कैप्चर्ड इन बोथ रिकॉर्ड्स। दिस में इन्वॉल्व क्रॉस चेकिंग पर्पस ऑर्डर्स, इनवॉइसेस एंड पेरोल रिकॉर्ड्स। बोला गया जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उनका हम रिव्यू करेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी कॉस्ट है उन दोनों रिकॉर्ड्स में डाल दिए गए हैं, कैप्चर कर लिए गए हैं। और इसमें बहुत सारी मतलब क्रॉस चेकिंग भी होती है कि हमने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, जैसे परचेज ऑर्डर्स की, इनवॉइसेस की, पेरोल रिकॉर्ड्स की। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।